वाइटल साइंस चेक करो अभी। शान मेरे डेटाबेस के मुताबिक काफी मेरे लिए शान यहाँ पे। सर थोड़ा सा राइट। बताओ रिपोर्ट। श्याम मेरे डेटाबेस और इनके वाइटल साइंस के मुताबिक ये मर चुके हैं। कंफर्म 100%। मर गया, अब क्या करेंगे? बवाल खड़ा हो जाएगा किसी को पता चल गया तो। ओह माय गॉड, ये आदमी यहाँ आया कैसे? कुछ लोग इन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, मैं उन्हें बचाकर अब हस्बैंड। कुछ लोग इन्हें सड़क पर मारने की कोशिश कर रहे थे, मैं इन्हें बचाकर यहाँ ले आई। How smart of you, Rajni. देखो यहाँ ये मरा हुआ कितना अच्छा लग रहा है, वहां बाहर कितना बुरा लगता। नहीं idiot, तुम्हें पता है तुम्हारा सबसे स्पेशल फीचर क्या है? बताइए शान। तुम दुनिया के कोने कोने से मुसीबत ढूंढ के मेरी छाती पे रख देती हो लाके। लेकिन मैंने तो आपके सोफे पे रख दिया है। Shut up! देखो ये जो घर में शादी हो रही ना, अगर किसी को पता चल गया कि पंडित ही मर गया है तो शादी कैंसिल हो जाएगी, और अगर पुलिस को पता चल गया कि ये डेड बॉडी हमारे घर पे, तो हमें मुसीबत आएगी अलग। इसीलिए हमें इस डेड बॉडी को उठा के पहले पुलिस के पास लेके जाना पड़ेगा, ताकि हम ही कंप्लेन फाइल कर दें। Shut up! तुम्हें पता है घर में जो शादी होने वाली है वो कैंसिल हो जाएगी अगर किसी को ये पता चल गया तो, और अगर पुलिस को पता चल गया तो हम पे मुसीबत आएगी अलग। इसीलिए इसे उठा के पुलिस के पास ले चलते हैं, बेस्ट। कम ऑन रजनी, हेल्प। ओके शान। घाटी में युवाओं के पत्थर फेंकने की तस्वीर आपने देखी होगी, पाकिस्तान के झंडे लहराते हुए देखे होंगे, लेकिन ये तस्वीर पाकिस्तान प्रायोजित भी हो सकती है। ये तस्वीर अलगाववादियों को आईना दिखाती है और कश्मीर का वो सच बताती है जो खबरों में नहीं है। कश्मीर के युवा के दिल में भी भारत बसता है, तभी तो हजारों की संख्या में युवा भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए घाटी पहुंचे। लेकिन यहाँ एक तस्वीर अलग थी जो बरबसी आँखों को अपने ओर खींचती है। ये घाटी की लड़कियाँ हैं जो सेना में भर्ती होने के लिए आई है, ये भी अपने देश भारत के लिए जान की बाजी लगाना चाहती है। उन अलगाववादियों के लिए इन तस्वीरों को देखना जरूरी है जो लगातार युवाओं से अपील कर रहे थे कि वो सेना के भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा न लें। लेकिन उनकी अपील का इन युवाओं या इन लड़कियों पर कोई भी असर होता नहीं दिख रहा। उन्हें ना तो इनसे कोई डर है और ना ही उनकी किसी भी बात में ये आने वाले हैं। ऐसे में ये तस्वीर मीडिया के लोगों को भी ध्यान से देखनी चाहिए जो बस पत्थर फेंकने वालों की तस्वीरें दिखाते रहते हैं। वो ये तस्वीर भी जरूर देखें और दिखाएं भी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 9/11 के पीड़ितों को सऊदी अरब पर मुकदमे की इजाजत देने के पक्ष में नहीं हैं। ओबामा ने उस विधेयक को लेकर वीटो का इस्तेमाल किया है जिसमें 9/11 हमलों के पीड़ितों के परिजनों को सऊदी अरब के खिलाफ मुकदमे की अनुमति दिए जाने की बात की गई है। ओबामा ने इस आशंका की वजह से वीटो का इस्तेमाल किया है कि इस कदम का अमेरिका के राष्ट्रीय हितों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ओबामा ने कहा कि जस्टिस अगेंस्ट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी JASTA अधिनियम को रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाली कांग्रेस के दोनों चैम्बरों ने पारित कर दिया था। इस विधेयक के पारित होने से संप्रभुता संबंधी पुराना अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत खतरे में पड़ जाता और इससे अमेरिकी हितों एवं विदेश में रह रहे देश के नागरिकों पर बुरा प्रभाव पड़ता। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जोश अर्नेस्ट ने अमेरिका के राष्ट्रपति के इस निर्णय को सही ठहराते हुए कहा, ओबामा कांग्रेस के सदस्यों से नियमित बातचीत के बजाय इस विधेयक के अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकने वाले दीर्घकालीन परिणाम को लेकर चिंतित हैं। वहीं ओबामा के इस फैसले की आलोचना करते हुए राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आतंकवाद के प्रायोजकों के खिलाफ न्याय विधेयक को लेकर राष्ट्रपति ओबामा का वीटो इस्तेमाल करने का निर्णय शर्मनाक है और ये उनके राष्ट्रपति काल के सबसे निचले बिंदुओं में से एक माना जाएगा। गौरतलब है कि इस विधेयक का सऊदी अरब ने कड़ा विरोध किया है।
साल 2001 के 11 सितंबर के आतंकी हमले में शामिल 19 हाईजैकर्स में से 15 सऊदी अरब के नागरिक थे। ये पहले से ही माना जा रहा था कि सऊदी के साथ अमेरिका के संबंधों को देखते हुए ओबामा इस पर वीटो कर सकते हैं। मराठा क्रांति मोर्चा के मौन प्रदर्शनों ने महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा दी है। आंदोलन का औपचारिक तौर पर कोई नेता नहीं है, लेकिन समाज की एकजुटता ने राज्य में बड़ी राजनीतिक पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अकोला, नांदेड़, बीड, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, जलगांव और जालना में ऐसे ही मौन प्रदर्शन हो चुके हैं। आंदोलन पूरे राज्य में फैल रहा है। अहमदनगर में भी भारी संख्या में मराठा समाज से जुड़े लोग जुटे तो पूरा नगर भगवामय दिखाई दे रहा था। शहरों में आयोजित सभाओं में अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 लाख तक लोग शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में दबदबा रखने वाला मराठा समुदाय करीब 2 महीने पहले अहमदनगर जिले के कोपरडी में एक लड़की से बलात्कार और फिर उसकी हत्या के बाद पिछले 1 महीने से राज्य के विभिन्न शहरों में मौन मार्च निकालता रहा है। पीड़ित लड़की मराठा थी, जबकि कथित दोषी दलित समुदाय से थे। मराठा नेताओं की मांग है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कानून रद्द किया जाए, क्योंकि इसका घोर दुरुपयोग हो रहा है। उनकी मांग ये भी है कि शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए। ऐसे में बिना नेता के इस आंदोलन की गूंज महाराष्ट्र में फिलहाल हलचल तो मचा ही रही है।